तो मतारो थी स्टेज पर वेठल मुझा मर्कजी साथियों पिंडाल में वेठल बाहरों ए भेनरों जी सिंधु देश जी साई जेल जेल दोस्तों अज 31 मार्च जो ढी सिंधी कौम के लिए तमाम अहमियत जो ढी है इन ढी से ही रहबर सिंध साई जेम सैयद जेके पांजा अल्फाज पेश किया वो उन लिखत में उन तकीर जी हुई वहाँ जो पेश क्या तो मेहरबानी करे गौर से बुधंदा ए समझने की कोशिश कर रहबर सिंध साई जेम सैयद पारा 31 मार्च 1972 से सिंध यूनिवर्सिटी के शागिर्दन से मलायल शाम के मौके से कैल तकरीर अजीज दोस्तों अवां सा शाम मलायण याकूदी खाने के बराबर है अड़न वक्तन ते जरूरी थे तो कुछ बुधजे ए कुछ बुधाजे मु अवां के 4 मार्च से आगाह कयो हो तो सिगो ही वो वक्त अचण वारो है जडे अवां ते वड़ियुन जवाबदारियों जो भार पवे तें लाइ अवां के तैयार थियणो आहे सिर्फ़ साले ए लायक मानू उन इम्तिहान में कामयाब थी निकरन था जेल में वञण ए लठियूं जलण सवलो कम आहे पर जवाबदारी जो भार संभालण औखो आहे उन करे उन कम जी सरंजामी लाइ अवां के मुख़लिस कारकुनन जो ग्रुप पैदा करणो पवंदो जे सिंध जी सियासी समाजी ऐं इक़्तिसादी मसलन खे पूरी तरह समझी सकन ऐं संदन ज़हन साफ़ थियण बाद हम ख्याल कारकुनन जो तादाद वधाइन अवां के हेठन मसलन ते गौर फिक्र बाद सही नतीजन ते पहुंचणो आहे नंबर पहिरियों कौमी नज़रियो कौमी नज़रिये जी मुख़्तलिफ़ तस्वुरन में जी मालूमात हासिल करण बाद एक नज़रिये के क़बूल करणो आहे ऐं गौर फिक्र ऐं तजुर्बे बाद उन नतीजे ते पहुतो आहियां त सिंध जा रहाकू ज़बान कल्चर तारीख़ी रिवायत सियासी ऐं इक़्तिसादी मफ़ाद जे बुनियाद ते जुदा क़ौम आहिनि ऐं क़ौमुनि जे हक़ ख़ुदिरादीअ जे आधार ते संदन सियासी इक़्तिसादी ऐं कल्चरल आज़ादी खु़शहाली ऐं तरक़ी लाइ हू पाण फ़ैसिला करण जा हक़दार आहिनि नंबर ॿियो सिंधु देश बरे सगीर पाक हिंद में हज़ारे वरियनि खां जुदा गाना तारीख़ी मुल्क रहियो आहे ऐं दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि वांगुरु खेसि पंहिंजे मुस्तक़बिल जे फ़ैसिले करण जो हर को हक़ आहे नंबर टियों सिंध जी ज़बान क़दीम वक़्त खां सिंधी रही आहे इहा पाकिस्तान में सभ खां ज़्यादा झूनी ऐं शाहूकार ज़बान आहे उन करे मुल्क जी सरकारी ऐं क़ौमी ज़बान थियण जो उनखे हर को हक़ आहे नंबर 4 मुल्की आइन साज़ी उन मसइले लाइ उन मसइले खे समुझण लाइ पहिरीं इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करणो पवंदो त आइन हिकु क़ौम जे बुनियाद ते ठाहियो वञे थो या चइनि क़ौमुनि जे बुनियाद ते पहिरीं नज़रिये मुताबिक़ सिंधी अक़लियत में थी ॿियनि अक्सरियत वारनि सूबनि जी कसीरत राय जा मुहताज थींदा ॿिए नज़रिये मुताबिक़ को बि आइन सिंधियुनि जी रज़ामंदीअ खां सवाइ ठही न सघंदो नंबर 1 हिकु क़ौमी नज़रिये जे आधार ते अक्सरियत वारो सूबो संदसि तादाद पैसे मिल्ट्री ऐं सिविल सर्विस जे आधार ते सिंध ते हावी रहंदो जंहिं करे सिंध जे पैसे ऐं सिंध ते मुसलत रहंदो नंबर 2 उन नज़रिये जे आधार ते सिंध जी कमाई टैक्स ज़मीन कारखाननि ऐं नौकरियुनि ते ॿियनि मुल्कनि जो इस्तेसाल रहंदो नंबर 3 इन नज़रिये जे आधार ते हेठियां पैसा हितां पैसा कमाए माण्हू ॿाहिरि खणी वेंदा नंबर 4 उन नज़रिये जे आधार ते नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी आइन ऐं मज़बूत मर्कज़ जे चंबे मां निकिरी न सघंदासूं नंबर 5 उन नज़रिये जे आधार ते ॿाहिरीं मटा सटा वापार बैंकुनि रेलवे पोस्ट रेडियो टेलीविज़न टेलीग्राफ खाणियुनि ऐं इक़्तिसादी इदारनि ते मर्कज़ी हुकूमत जो कब्ज़ो रहंदो नंबर 6 उन नज़रिये जे आधार ते दिफ़ा ख़ारजा मामलात ऐं करंसी खां सवाइ ॿियनि खातनि ते मर्कज़ खे अख़्तियार रहंदा नंबर 7 उन नज़रिये जे आधार ते मर्कज़ी असेंबलीअ में सिंधियुनि खे आबादी जे लिहाज़ ते नुमाइंदगी मिलंदी नंबर 8 उन नज़रिये जे आधार ते मर्कज़ी हुकूमत में नौकरियुनि में हिन वक़्तु वांगुरु सिर्फ़ 1% नौकरियूं मिलंदियूं नंबर 9 उन नज़रिये जे आधार ते सिविल सर्विसिस मर्कज़ी हुकूमत जे हथ में रहण करे ख़ुदि मुख़्तियारी
सूबाई खुद मुख्तियारी अजाई थी वेंदी। नंबर 10 उन नजरिए के आधार से मुल्क की कौमी जबान गैर मुल्की जबान उर्दू थी। नंबर 11 उन नजरिए के आधार से मुल्क में मजहब और सियासत गड़िया रहंदा। नंबर 12 उन नजरिए के आधार से भरवारन मुल्कन से दुश्मनी की पॉलिसी जारी रहंदी। नंबर 13 उन नजरिए के आधार से बेन सूबे के मानून के सिंध में कॉलोनाइज करने की छूट होंदी। नंबर 14 उन नजरिए के आधार से सोशलिज्म पूरी तरह राज थी न सको। 5 सिंधी कल्चर सिंध के गुजरल 4000 वर्ष की तारीख है जैसे बुनियाद से उन्होंने कौमी किरदार ए कल्चर ठाया है। वो असाजा कौमी विरसा है। उन्होंने विसारे नवन आयल मानों के कल्चर ए समाज समाज की वन असा ला पान विसारण के बराबर थी। नंबर 6 साम्राज्य मुफाद जो इस्तेसाल असा के उन गाल बाबत भी जहन साफ करना तो वे कड़ा मुस्तकबिल मफाद आन मुस्तकिल मफाद आन जे असाज इस्तेसाल जे असा इस्तेसाल कन था थोड़े गौर बाद पतो पवो तो महाजर पंजाबी मुस्तकिल मफाद असि सियासी आजादी सलब कर वेठा है। असाज इक्तियात में काबिज है। असा के कल्चर से गलबो कर सदे बाब लाए विचार करो पवो। नंबर 7 कौम परस्ती छाखे चेजे तो मत चई आयो आया असा सिंध की जुदागाना कौम मनू था सिंध की जुदागाना कौम मनू था पर दिसो आए तो सिंधी कौम परस्ती जा बुनियादी मता केड़ा है। अलिफ पाकिस्तान एक मुल्क न बल्कि चैन जुदा कौम जो मजमू है। बे सिंधी वतन जिबान कल्चर तारीखी रिवायत सियासी इक्तसादी मफाद के बुनियाद से जुदा कौम है। नंबर 3 सिंधी जुदा कौम की हैसियत में पांजे मुस्तकबिल बाबत फैसले करने जो हक रखन था। नंबर 6 सिंधी कौम परस्ती की राह में रुकावटू नजरिया पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हुकूमत मजबूत मरकज ए पाकिस्तान जहा मजमू मफाद है। नंबर 8 सेक्युलर निज़ाम सारी दुनिया में हुकूमती निज़ाम सेक्युलर बुनियादन से बदल है पर इत पाकिस्तान में एक साम्राज्य मुस्तकिल मफाद अवाम जो तवज्जो मुल्क के हकीकी मसलन का हटाने ला इस्लामी निज़ाम हुकूमत जो राग गाए रो है। उनको मकसद अकुल के एवज मजहब के नाले में हथाटी हेठ हुकूमत कायम करना है जे अक्सरियत सरमाएदार ए हाकिम जा एजेंट थी कम कन था। नंबर 9 सही जमहूरियत छा है सही जमहूरियत जी हेठी गालन जो होजन जरूरी है। अलिफ उन जे एक कौम जो बी कौम ते संद अक्सरियत काबिलियत तशद्दुद पैसे ए ज़हन के आधार ते तसल्लुत कायम न रहे। नंबर 2 जे में एक गुरुह या तबको बे गुरुह या तबके जो इक्तसादी इस्तेसाल न कर सके ए मुल्क जे जुमली मानन के एक जड़ा मौका हक हासिल होजन। नंबर 3 जैमें शाहूकार कारखानेदार मुला पीर के सियासत मुल्क में दस्त अंदाजी करण से बंदिश हो। नंबर 10 सोशलिज्म मकसद मुल्क के जुमली पैदावार के जरिए विरासत पैसे से अवामी हुकूमत जो तसलसल होपे जहाँ उनके मानन के मजमू मफाद ला कतब आणी दी उनमें शख्सी और तबकती इस्तेसाल जा रस्ता महदूद कल हों उन बुनियाद हक दहर ए अकुल के बुनियाद से थे तो मजहब में शख्सी और तबकती मफाद के तहफुज दिनों वे तो जैसे सोशलिस्ट मुआशरे के असूल में रुकावट पवे थी। इस्लामी सोशलिज्म ही ना है। नंबर 11 इस्लामी आइन और इस्लामी हुकूमत निज़ाम मुल्क जो आइन मुआशरे के हालत मुताबिक बनाया वे तो तेरे इस्लामी आइन या निज़ाम हुकूमत थन्दा ही को जे अड़ी गुफ्तगु कन था से या धोखेबाजी या बेवकूफ़ आन। नंबर 12 सिंधु देश की माना छा है सिंधु देश की माना सिंधु दास के मौजूदा सिंध मुल्क वारी एराजी है। उन मुल्क हजार वरन का पांजी अलहदा हैसियत कायम रखी है। सिंध ए सिंधु देश में तफावत यो है तो सिंध में सारी इंडस वैली वो मुल्क अची वे तो पर सिंधु देश में सिर्फ मौजूदा सिंध की एराजी के जी बंगाल की माना उभरंदो ए ओलहंदो बंगाल है बंग्लादेश की माना उभरंदे बंगाल वो आजाद मुल्क है।
सिंधु देश नाले वठण सा वठण मा असा जो मकसद इन खत्ते जमीन जे सियासी आजादी इक्तसादी खुशहाली कल्चरल तरक्की आए जा इन वक्त सूबे ते सूबे सिंधु ते मुश्तमिल आए। नंबर 13 सिंधी कौम जी तकमील यह हकीकत आए तो सिंधु जा राकू अलहदा कौम सड़न लाए हकदार आन पर उन गाल खां बे इनकार करे नथो सकजे ते एक बाफाल बागैरत यकजत कौम बनजन लाए जे कौमी असबियत जी जरूरत थे थी वह अन्या पैदा करे न सकया आयो उन जे राह में जे रुकावट वायन तिन जे दूर करण लाए कोशिश करनी पौंदी। मुल्ला पीर वडेरो गुलाम सिफत मिडिल क्लास जे अक्सरत उन जी रुकावट आयो। नंबर 14 पाकिस्तान है सिंध सिंध पाकिस्तान का सवा रही सके थी पर पाकिस्तान सिंध का सवा कायम रहन मुश्किल है। पाकिस्तान के कयाम जो मदार हुकुमरान तबके जी सिंध सा बर्ताव ते आए जेकरे हुनन संदन मौजूदा ज़हनियत में तब्दीली आने सिंध ए सिंधन जे वजूद के तस्लीम न कयो ए उनन के संदन वाजिबी हक न दना दुनिया जी का भी ताकत पाकिस्तान के कायम रखी न सकंदी। नंबर 15 पाकिस्तान जो मौजूदा सियासी पार्टियों सवा जीएसएन ए खुदा खिदमतगार जे सब हाल पाकिस्तान जमायतूं आहिनि उहे बुनियादी तरह नज़रिया पाकिस्तान जे बुनियाद ते ॿधल आहिनि जंहिंमें सिंध ऐं ॿियनि सूबनि जी जुदागाना हैसियत जो इनकार कयल आहे। उन्हनि में सिंधी क़ौम जो दाख़िल थियणु सिंध जे मौत जे वारंट ते सही करण जे बराबरि थींदो। नंबर 16 हुकूमत जी पॉलिसी सिंधियुनि खे हर हुकूमत जी पॉलिसी परखण लाइ के कसोटी मुक़ररु करे उन मुताबिक़ फ़ैसिलो करणो पवंदो। मुंहिंजी नज़र में हेठियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन जे आधार ते अवां हुकूमत जी पॉलिसीअ बाबति राय ज़ाहिर करे सघो था। अलिफ़ नज़रिया पाकिस्तान जी एतमाद रखंदड़ हुकूमत सिंधियुनि खे कॾहिं बि फ़ाइदो पहुचाए न सघंदी। बे मज़बूत मर्कज़ बि एतमाद रखंदड़ हुकूमत सिंध जी दुश्मन थींदी। नंबर 3 इस्लामी आइन या इस्लामी निज़ाम हुकूमत मञंदड़ हुकूमत सिंधियुनि लाइ नुक़सानकार थींदी। नंबर 4 हुसूलनि ते हलण जे बजाए इक़्तदार जे क़याम खे तरजीह ॾींदड़ हाकिम सिंध जा ख़ैरख्वाह थी नथा सघनि। नंबर 5 सिंधियुनि जे जुदागाना क़ौम में क़ौम ऐं सिंधु देश खां इनकार कंदड़ हुकूमत सिंध दुश्मन शुमार करे सघिजे थी। 17 सिंधियुनि लाइ मुफ़ीद ख़ारजा पॉलिसी ॿाहिरनि मुल्कनि मां अमरीका इसराइल तां ॿार झको कराइण ख़ातिर पाकिस्तान खे भारत सां विढ़ाइणु घुरे थो। संदसि हथियारनि खे नेकाल लाइ जंगजुआना पॉलिसी जो हामी आहे। रूस जी दुश्मनीअ ख़ातिर पाकिस्तान ते मुहाजर पंजाबी तसलुत क़ाइमु रखण ख़ातिर ऐं एशिया जी ताक़त खे एशिया में कमज़ोर करण लाइ भारतीय दुश्मनी अख़्तियार कई आहे। उन्हीअ करे हू अमरीका जे पोइ लॻी में हले थो। तंहिं करे सिंधियुनि लाइ कंहिं बि हुकूमत जे उन्हनि सां दोस्ती नुक़सानकार साबित थींदी। भारत रूस अफ़गानिस्तान ईरान ऐं अरब मुल्कनि सां दोस्ती सिंध जे मफ़ादनि वटां आहे। नंबर 18 पैन इस्लाम ही नज़रियो फरसूदा ऐं बेकार थी चुको आहे। आईंदा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां तालुकात सेक्युलर बुनियाद ते क़ाइमु करणु घुरिजनि। उन जे नज़रियाती ऐं एतमाद रखण सां अणसिधी तरह सिंधियुनि खे साम्राजी साज़िशुनि में फासणु बराबरि थींदो। नंबर 19 सियासी इख़्लाफ़ सियासत में जहिड़ी तरह मुख्य उसूल क़ाइमु करणु ज़रूरी आहिनि अहिड़ीअ तरह उन्हनि उसूलनि ते अमल करणु लाज़मी आहे। हीअ ॻाल्हि यादि रखण जे लाइक़ु आहे त जे माण्हू शख़्सी इख़्लाक़ बराबरि रखी नथा सघनि उन्हनि खां उसूली इख़्लाक़ जी उमेद रखणु ॿुॿरनि खां ॿेर घुरण जे बराबरि आहे। इब्नुल वक़्त ऐं फिरणी पॉलिसी आर्ज़ी तरह किन शख़्सनि खे वक़्ती फ़ाइदो ॾेई सघे थी लेकिन क़ौमुनि ऐं मुल्कनि जे देरपा मफ़ादनि लाइ नुक़सानकार थींदी। नंबर 20 ज़हनी क़ाबिलियत ऐं सलाहियत कंहिं बि अफ़राद या गुरूअ या क़ौमूं हुकूमत हलाइण जूं अहल थी न सघंदियूं जेकॾहिं उन्हनि में ज़हनी सलाहियत पैदा न थी आहे। उन ई खां सवाइ हासिलु कयल इक़दार पाणी जे फोटे जीअं आहे जो हवा जे झोटे सां ख़तमु थी सघे थो। तंहिं करे जेकॾहिं अव्हां सरज़मीन जा वारिस थियणु घुरो था त सियासी इख़्लाक़ ऐं ज़हनी सलाहियत जा हामिल थियो। 21 सियासतदाननि जो क़िस्म
सियासतदान बिन किस्म जा थियन था, एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन सियासी अमल जा पोए लग ए आरजी कामयाबी जा इक्तदार जे हुसूल ला उसूलन के कुर्बान कन था, बया आइडियलिस्ट सियासतदान जे मुल्क ए कौम जे मजमूई नफे लाए के उसूल मुकरर करे उन मुताबिक हलन था ए बेन के उन ते हलन जी तरगीब देन था। उनन वट आरजी कामयाबी या उसूलन के कुर्बान करण बाद इक्तदार जो कयाम बेमाना शयूं आहिनि उहे ऐं ॿिया अहिड़ा सवाल।